हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिस्ट जॉइंट के बारे में। तो एक्सपेक्ट ये रहेगा कि रिस्ट जॉइंट का एनाटोमी आप अच्छे से देख लें। रिस्ट जॉइंट में कितने सारे कार्पल बोन्स रहते हैं ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा, और रिस्ट जॉइंट में क्या क्या बोन आपको दिखाना है एक्सरे में, वो टोटली मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेरा नाम है देमित भट्टाचार्य, आप देख रहे हैं एक्सरे क्लासेस एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जानते हैं चलिए रिस्ट जॉइंट का एनाटोमी। सबसे पहले इस इमेज को थोड़ा सा हम लोग लार्ज कर देते हैं। ये रहा, यहां पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, मतलब मैं ड्राइंग करके बताते जा रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। कैंसिल करता हूं, इसके ऊपर डायरेक्ट लिखता हूं। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, एमसी मतलब मेटाकार्पल, हाँ। सेकेंड मेटाकार्पल बोन, पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। थर्ड मेटाकार्पल बोन, फोर्थ मेटाकार्पल बोन, और ये फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन एमसी। ठीक है दोस्तों, तो ये पांचों आपका मेटाकार्पल बोन है। इन पांचों बोन को आप लोग को दिखाना है रिस्ट जॉइंट में। ये है आपका डिस्टल पार्ट ऑफ अल्ना। ठीक है, मैं इसको डाल दिया यहां पे। ये है आपका डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस। ठीक है, अब ये आ गया। ये जो ऊंचा उभरा हुआ जगह है, यदि मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये जगह, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग अल्ना स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, अल्ना स्टाइलॉइड प्रोसेस इसको कहते हैं। अब इसको फिर से जूम आउट कर दूं, यहां पे आ गए हैं हम लोग। अब इसमें इस जगह में चार नीचे चार ऊपर हड्डियां रहती है। ठीक है, तो नीचे यदि हम लोग पकड़ेंगे तो ये सबसे बड़ा हड्डी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केफॉइड बोन। इस सप्ताह में इनिशियल लिख देता हूं तो आप लोग को सही रहेगा। इसको बोलते हैं स्केफॉइड बोन। ठीक है, एस फॉर स्केफॉइड। इसको बोलते हैं लूनेट बोन। ठीक है, एल लिख दिया हूं। इसको बोलते हैं ट्राइक्यूरल, टी लिख रहा हूं, और इसको बोलते हैं छोटा वाला हड्डी को पीसी फॉर्म, पी लिख दे रहा हूं। ठीक है, स्केफॉइड लूनेट ट्राइक्यूरल पीसी फॉर्म। इसके ऊपर यहां पे ट्रेपीजियम, टी आर लिख रहा हूं। ठीक है, ये वाला हड्डी इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है ट्रेपीजॉइड, टी आर, इसको टी जेड लिख रहा हूं, ट्रेपीजॉइड। इसको बोलते हैं इस वाले हड्डी को कैपिटेट, सीपी लिख रहा हूं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग हेमेट, एच लिख देता हूं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कौन सा क्या हड्डी है। इसको बोलते हैं हम लोग स्केफॉइड बोन। ये जो हरा हो जा रहा है, नीले से हरा, सॉरी पीले से हरा, इसको बोलते हैं स्केफॉइड बोन। इसको बोलते हैं लूनेट बोन, इसको बोल रहे हैं ट्राइक्यूरल बोन, इसको बोलते हैं पीसी फॉर्म बोन। ऊपर ये जो हरा हो गया एरो, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, उसके बाद टी जेड मतलब ट्रेपीजॉइड, उसके बाद कैपिटेट, उसके बाद हेमेट। ठीक है, ये आठों हड्डी का नाम याद रखना चाहिए। ये सब आता है आपका वाइवा में, ओरल में पूछता है कि कार्पल बोन के नाम से बताओ। तो नीचे से यदि शुरू करेंगे तो स्केफॉइड लूनेट ट्राइक्यूरल पीसी फॉर्म, ऊपर में ट्रेपीजियम ट्रेपीजॉइड कैपिटेट एंड हेमेट। ठीक है, याद रहेगा मेरे ख्याल से। इन चीजों को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए।
उसके बाद हम लोग लैटरल व्यू देखते हैं। लैटरल व्यू को थोड़ा हम लोग काला कर दे रहे हैं जिससे आपको सुविधा होगा। यहां पर भी आपको मेटाकार्पल बोन के बेस दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो बेस है ये है आपका फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ठीक है। और यहां पे सब मेटाकार्पल बोन के ओवरलैपिंग सेकेंड टू फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के बेसिस आपको ओवरलैपिंग दिखेंगे, ठीक है। ये वाला जो हड्डी है, ये जो निकला हुआ है, यहाँ पे लैटरल बोन में कभी कभी स्कैफोइड के हेड में फ्रैक्चर होता है, तो ये है स्कैफोइड बोन, एस लिख रहा हूं। ये ट्रेपीजियम, टी लिख रहा हूं। ये है ट्रेपीजॉइड, ये है आपका ट्रेपीजॉइड, टीजेड, ठीक है, ट्रेपीजॉइड। अब यहां पे सब ओवरलैप हो रहा है, ठीक से दिखेगा नहीं। अच्छा, इसको और थोड़ा जूम करता हूं, तो यहां पे आपको मिलेगा आलना का स्टाइलॉइड प्रोसेस, आलना स्टाइलॉइड प्रोसेस, और ये है आपका आलना डिस्टल पार्ट, और ये है रेडियस का डिस्टल पार्ट, रेडियस। मैं गलत स्पेलिंग लिख रहा था इसलिए बार बार DIUS होगा, US, ठीक है, रेडियस। तो ये आपका एनाटोमी पूरा कंप्लीट हो रहा है रिज ज्वाइंट का, और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं। तो ये देखिए, ये लैटरल व्यू है और ये है आपका एपी व्यू, ठीक है, राइट रिस्ट का ये एपी व्यू है। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि यहां पे इसको जूम किया जाए तो इस प्रकार से आता है। तो आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि रिस्ट जॉइंट का एनाटॉमी में हम लोग को क्या क्या देखना है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको रखना है याद। वाइब हमें पूछता है कार्पल बोन कितने हैं, कार्पल बोन के नाम बताओ। ये जो ऊंचा हुआ जगह है जिसको ये हरा हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इस हड्डी को क्या बोलते हैं, इस हड्डी को क्या बोलते हैं, ये सब पूछेगा भाई हमने। तो ये सब याद रखिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड और फैमिली के साथ आप बने जुड़िए मेरे चैनल के साथ, और इसके बाद वाले क्लासेस में हम लोग रिस्ट जॉइंट का पोजीशनिंग भी देख लेंगे बहुत जल्द, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं, स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, एकदम मस्त। धन्यवाद दोस्तों।